शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरना कर रखी अपनी मांग। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राधे रमण त्रिपाठी की अगुवाई में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को BSA कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य तेजी से होना चाहिए, परंतु इस कार्य में कार्यालय से शिथिलता की जा रही है। कई शिक्षकों के सत्यापन प्राप्त होने के बाद भी वेतन भुगतान आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। कहा कि निरीक्षण में मनमानी तरीकों से शिक्षकों को अनुपस्थित दिखाकर बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किए कार्यवाही करना विभागीय शासन आदेश के विपरीत है। कहा कि बाल्यकाल देखभाल, गर्भपात, चिकित्सा, प्रसूत अवकाश आदि में कार्यालय द्वारा धनादोहन किया जा रहा है, जो अनुचित है। संघ के मंत्री योगेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा, आप ये बताएं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के इस वक्त धरने पे हैं, आखिर आपकी मांगे क्या हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों की केवल एक ही मांग है जिसको लेकर ये आंदोलन हम चला रहे हैं, वो भी जैसे पूर्व के कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाती थी, उसी तरह से नए कर्मचारियों को जो 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको भी पुरानी उसी तरह की पुरानी पेंशन व्यवस्था और EPF की व्यवस्था दी जाए। इसके लिए ये आंदोलन का दूसरा चरण है। पहले चरण को हम लोगों ने चलाया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके एक कमेटी बनाई थी कि 2 महीने में ये रिपोर्ट देगी, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर देंगे, लेकिन उस कमेटी का जो भी रिपोर्ट रहा वो शून्य के बराबर रहा, कहीं से कोई लाभ उससे नहीं मिला। मजबूर होकर हम लोगों ने दूसरा आंदोलन, ये आंदोलन का दूसरा चरण चालू किया है। इसमें आज पहले स्टेप में हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद 28 तारीख को हम मशाल जुलूस निकालेंगे और 6 फरवरी से हमारा अनिश्चितकालीन महाहड़ताल कर्मचारियों और शिक्षकों का होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाएगी। अच्छा, आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें जितने राजनेता हैं सब लोग हैं, पेंशन ले रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? अब हमें उससे नहीं लेना देना है, उनको कौन किसको क्या दे रहा है। हमारी ये मांग है कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था, आपकी मांग ये है कि हमारी पेंशन बहाल हो, उनकी पेंशन रहे या ना रहे, ना रहे की समस्या है, वो सरकार की समस्या है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी बहाल होनी चाहिए सभी कर्मचारियों।